यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 के मैट्रिक पास छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपये, यानी कि 2017 में जो भी बच्चे मैट्रिक पास किए हैं, ठीक है, उनको जो है 10,000 रुपये अभी मिलेगा, ठीक है। 2022 का ये न्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हैं, ठीक है। 2017 के मैट्रिक पास छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपये, तो किन 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 को मिलने वाले हैं 2017 में जो बच्चे पास हुए हैं, तो क्या बड़े जाति के है या छोटी जाति के भी है, किन बच्चे को मिलेगा 10,000 रुपये, तो उन सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। यहां पे देख सकते हैं कि जिले के वर्ष 2017 में मैट्रिक पास विभिन्न वर्गों के मेधावी छात्रों को सरकार जो है 10,000 रुपया उपलब्ध कराएगी। इसलिए विद्यालय में तैयारी जोरों से चल रहा है, यानी कि अब जो है जो भी बच्चों का छूट गया था या उन लोगों को नहीं मिल पाया था, तो उन सभी को जो है 10,000 रुपया जो है सरकार की तरफ से मिलने वाला है। इसको लेकर जो है स्कूल की तरफ से हर एक प्रधानाध्यापक को आदेश दिया गया है कि आप जोरों शोर से तैयारी कीजिए, सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से बताइए कि सभी जो 2017 में पास हुए मैट्रिक में बच्चे, उन सभी को जो है पैसा मिलने वाला है, वो भी कितना, तो 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मिलेगा, जो बच्चे छूट गए हुए हैं उनको लेना अनिवार्य है, तो वो कैसे ले सकते हैं, अन्यथा अगर वो नहीं लेंगे तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा मैं आपको बताऊं तो ये जो है न्यूज़ आज का है। मैं आपको बता दूं, ये अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ नहीं है, ये आज का न्यूज़ है, ठीक है। आज जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज ही का न्यूज़ है। देख सकते हैं रामदारी गंगा उच्च विद्यालय के प्रभारी प्राध्यापक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया, उन्होंने बताया कि भैया कि किन किन बच्चों को जो है यहाँ पर आपको मिलने वाला है 10,000 रुपया और कौन कौन बच्चे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और जो बच्चे 2017 में एग्ज़ाम दिए थे उन सारे बच्चों को यहाँ पर मिलने वाला है 10,000 रुपया, तो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूं और आगे के इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों का ये सवाल है कि क्या सभी बच्चों को मिलेगा, तो जी है नहीं। देखिए यहाँ पे दिए हुआ आज के वीडियो में कि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र जिन्होंने 2017 में जो है मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए हैं, उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब हुआ, आप लोग का सवाल हुआ क्या सर कि सिर्फ निचले जाति वाली को ही मतलब 10,000 दिया जाएगा, क्या जो और जो है बड़ी जाति के जैसे अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हो गया उसमें बड़ी जाति आता है, हिंदू में ब्राह्मण वगैरह होता है जो फर्स्ट इसे प्रथम श्रेणी से उन लोगों जो पास हुए क्या उनको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि यानी छोटे SC ST में जो ये लोग जो आते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वे आते हैं SC और ST में, याद रखिएगा। तो इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बताया गया और आगे दिए हुआ कि आप देख सकते हैं कि उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए जिले के वरीय अधिकारी के निर्देश पर 2 दिन के अंदर अंग पत्र, आधार नंबर, बैंक खाता का पासबुक, आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा करने का निर्देश मिला है, ताकि स्कॉलरशिप मिल सके। इसे ले प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। वर्ष मैट्रिक पास हुए छात्रों को 10,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि यही लोग जो 2017 में ये जाति के जो लोग सिर्फ पास किए हैं इन्हीं लोगों को मिलेगा। ये लोग जो है अभी जितना भी बताया गया डॉक्यूमेंट, ये लोग के जिस कॉलेज से 2017 में पास हुए हैं वहाँ जाके ये लोग जमा करेंगे। वहाँ जमा करने के बाद बताया जाएगा क्या क्या करना है, देन उसके बाद उसको सारा का सारा पेमेंट इनके अकाउंट में जल्द से जल्द जो है सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा, वो भी 10,000 रुपया। तो आप लोग अब जो भी SC ST में आते हैं वो लोग फटाफट जाए जमा करें, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर आप लोगों के लिए भी खबर आते हैं जो बड़े जाति के लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।